गाइस कैसे हैं आप। आज मैं आपको अपनी आगे की कहानी बताऊंगी। मैंने अपना बेटा 2013 में खोया था। उसके बाद मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे मेरा बेटा, कुछ भी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम, बस एक महीने के अंदर अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। 2013 सितंबर में बेटे को बस जॉब पे गया हुआ था, बस फीवर हुआ हल्का सा और कुछ भी नहीं। फीवर बढ़ता बढ़ता हमें नहीं पता टाइफाइड बन गया। अब उस वो एक मिनट भी नहीं बैठता था। वो इतना ज़्यादा, इतने बड़े बड़े सपने थे उसके, कि हर वक्त बोलता था मेरे को, मम्मी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी लूँगा, बहुत तो मेरा घर हमारा घर बन जाएगा ना, मैं बहुत बड़ी गाड़ी लूँगा, देखना आपको यहाँ घुमाऊँगा वहाँ घुमाऊँगा। हमेशा ऐसी बातें करता था मेरे साथ, बहुत लगाव था उसका मेरे साथ। पापा से इतना नहीं बातें करता था जितनी मेरे से करता था। वो बातें, हर बात आगे मेरे से डिस्कस करता था, मम्मी आज ये हुआ ऑफिस में, आज वो हुआ, मेरी तारीफ होती है ऑफिस में बहुत। मैं अब देखना, मैं थोड़े दिनों में बाहर जाऊंगा। पासपोर्ट बनवाया उसने, जून 2013 में उसका पासपोर्ट बन के आया। बड़ा खुश था कि मम्मी मेरा पासपोर्ट भी बन गया, पापा का बना हुआ है, आपका बना हुआ है, मेरा भी बन गया। मैं अगले अपना मैं मोनू का भी बनवाऊंगा पासपोर्ट, बहुत खुश था। मैंने कहा मैं तेरे को अकेले नहीं बाहर जाने दूंगी, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे। उसको बहुत शौक था बाहर जाने का। मैंने कहा मैं कैसे तेरे बिना रहूंगी। कहते नहीं मम्मी मैं बाहर जाऊंगा, मैं मुझे बाहर जरूर जाना है। मैं हमेशा ये बोलती थी मैंने नहीं जाने देना तेरे को बाहर। कहता मुझे ऑफिस की ऑफिस से मुझे भेजेंगे बाहर, इस महीने बहुत अच्छे काम किए मैंने। मैंने कहा जब आएगा देखीजिए, मुझे क्या पता था वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा। मेरा लास्ट बर्थडे था उसके आगे, अगस्त में मेरा बर्थडे था। मैंने उसको बोला मुझे तेरे से गिफ्ट चाहिए। कहते क्या चाहिए मम्मी। मैंने कहा मैं मेरे को ना लिपस्टिक चाहिए, मैं तेरे से लिपस्टिक लूँगी। कहते आप ले आओ अपनी मर्जी की। मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा मैं सस्ती वाली नहीं लूँगी, मैं महंगी लूँगी। कहता आप जान से दिल करता आप ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं गई उस जिस मेरा बर्थडे, मैंने कहा चल बर्थडे के बाद में लूँगी, अभी नहीं ले रही मैं। कहता ठीक है। बर्थडे के 28 अगस्त को बर्थडे था मेरा, उसी दिन जन्माष्टमी थी। उस मेरे बर्थडे वाले दिन ही जन्माष्टमी थी उस दिन। तो ये फास्ट रखता था निर्जला, तो मैं इसको मना भी करती थी पर नहीं मानता था। ये निर्जला फास्ट रखता था, मैं भी उसके साथ ही रखती थी। तो इसने बोला मम्मी आप ना चल जाती। मैं ठीक है मैं ले लूँगी, तो टेंशन ना ले। उस बर्थडे के बाद ये ऐसा 8 तारीख को ये ऑफिस से इसने वापसी पे, इसने पहले एक महीना पहले इसने गाड़ी ली। कहता मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूँ, मैं CNG वाली गाड़ी लूँगा। मैंने तो इसने गाड़ी ली CNG वाली, कि मुझे बाइक पे नहीं जाना अब ऑफिस में, गाड़ी पे ही जाया करूँगा। CNG वाली गाड़ी ली कि मैं आप गाड़ी से अप डाउन करूँगा। ठीक है। इसने मेरे को ऑफिस से आते हुए फ़ोन किया कि मम्मी कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं तो पापा के साथ बाहर गई हुई हूँ। तो कहता है घर आ जाओ जल्दी, मैं घर आ रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 8 तारीख की बात थी सितंबर में 2013। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहुँच रही घर। कहते मैंने कहा क्या हुआ है। कहता नहीं मेरे को ना फीवर लग रहा है, तो मेरे से ना गाड़ी भी नहीं चल रही, तो मैं धीरे धीरे गाड़ी मैं आ रहा हूँ घर। मैंने कहा ठीक है आ जा, दवाई वगैरह देती हूँ तेरे को, हम घर पहुँच ही रहे हैं, बस हम घर आए हैं। तो ये आया फोटो, कहते मम्मी मेरे को फीवर हो रहा है। मैंने चेक किया, टेम्परेचर इसका 100 के करीब था। इसको दवाई दी। मैंने कहा चल दवाई चाय रस देती हूँ, दवाई खा ली। इसको चाय रस दी, दवाई दी।
तो ये सो गया। उसके बाद थोड़ा उठा, कहता अब थोड़ा ना ठीक लग रहा है। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने कहा कहता है तो डॉक्टर के पास, कहता नहीं ज़रूरत ही नहीं है, आप मेरे को रात को एक बार फिर खा लूँगा तो भाई सुबह तक ठीक होगा। पता नहीं क्या हुआ सुबह, फिर इसको फीवर चढ़ गया। फिर मैंने कहा नहीं, इसको ना इसके पापा को बोला, मैंने कहा इसको मैं डॉक्टर को दिखा लाऊँ, इसका फीवर फिर दोबारा हो गया। तो इसके पापा इसको डॉक्टर के पास लेके चले गए। मैंने कहा टेस्ट वगैरह, उस दिनों कोई वो डेंगू वगैरह भी चलता था, तो मैंने कहा कि डेंगू ना हो, एक बार इसको पहले भी डेंगू हो चुका था 2010 में, तो डेंगू ना हो। तो इसके पापा इसको लेके चले गए। तो सारे टेस्ट वगैरह हुए, रिपोर्ट शाम को आने की, तो ये करवा के आ गए। तो इसके तो डॉक्टर कहने लगे, डॉक्टर कह रहे शायद टाइफाइड लग रहा है इसको। तो रात को रिपोर्ट आई, तो फिर इसकी एंटीबायोटिक शुरू करेंगे रिपोर्ट आने के बाद ही। तो रात को चेक करवाया तो इसको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड निकला इसका। तो इस